नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। अगर देश में सब कुछ अच्छा है तो रुपया क्यों डूब रहा है? सोचने वाली बात है। इकोनॉमी अच्छी है, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे हैं, रेवेन्यू काफी आ रहा है, जीएसटी काफी कलेक्ट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो फिर रुपया क्यों डूब रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें अर्थव्यवस्था में होती हैं जो आपको चमकदार दिखाई देती हैं, पर असलियत में उनकी चमक जो होती है वो नकली होती है। और जो पॉजिटिव इंडिकेशन आपको कई जगह से दिखाए जाते हैं, यानी कि सोने की तरह चमकती हुई लंका दिखाई जाती है, इन एक्चुअलिटी ऐसा होता नहीं, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स इकोनॉमी के अंदर ऐसे होते हैं जो आपकी असलियत को बाहर निकाल कर ले आते हैं, और चूंकि वो अंतरराष्ट्रीय जगत से रिलेटेड है तो उसको आप छुपा नहीं पाते। रुपया अपने ऑल टाइम लो पर 83.54 रुपए के आसपास, यानी कि 83.50 भी क्रॉस कर गया। कब 84 को टच कर देगा पता नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जो बिगड़ते हुए हालात हैं ईरान इसराइल वॉर के या फिर यूक्रेन वॉर के, तो आप यकीन मानिए कि यहां पर रुपये के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ जाएगा इसके आसार कम नजर आते हैं। आप कहेंगे हमारे पास $650 बिलियन का भंडार है, हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट है, हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.5-8% के आसपास है, सब कुछ तो अच्छा है, तो फिर रुपया क्यों डूब रहा है? मोदी जी के हाथ में ये तो है नहीं। जीडीपी के फिगर्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, नकली बनाए जा सकते हैं लोगों पे इंप्रेशन जमाने के लिए, कोई चेक तो करने वाला है नहीं। बाकी भी फिगर्स नकली बनाए जा सकते हैं, मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता तो रूपी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केट का एक हिस्सा है, उसको नहीं मैनिपुलेट किया जा सकता है। रूपी अंडर प्रेशर क्यों है? दरअसल वेस्ट एशिया के अंदर जो सारा प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, ईरान का, इसराइल का और बाकी जो हमास के साथ युद्ध था, उसकी वजह से जो क्रूड प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट हो रहा है $90 के आसपास, यानी कि वो कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल मिलता है, जब इसके दाम बढ़ते हैं तो रुपया गिरता है। जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ता जाएगा रुपया गिरता चला जाएगा। तो वेस्ट एशिया के अंदर जो टेंशन है उसकी वजह से ब्रेंट क्रूड के भाव $90 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो $90 से ज्यादा है तो अमेरिका का जो फेड रिजर्व है, यानी कि अमरीका का जो RBI है, वो अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता है तो इसका मतलब डॉलर मजबूत रहता है, और अगर डॉलर मजबूत रहता है और लोगों को अच्छा बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो लोग डॉलर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ना कि रुपए में। जैसे कि किसी ने सोचा कि डॉलर आपको, अमेरिका जो है वो आपको 5% का इंटरेस्ट देता है सपोज $100 के ऊपर, और भारत यहां पर 7% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन अमेरिका का 5% ज्यादा बेहतर है भारत के 7% से, क्योंकि भारत का रुपया तो डूब रहा है ना। तो पता लग रहा है जब तक आपकी रीपेमेंट की बारी आएगी तो हमारा तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए लोग यहां से पैसा निकाल कर अमेरिकन डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिकन ट्रेजरीज के अंदर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हैं वो तो कंट्रीज को हर्ट करती हैं, तो करेंसी के जो वैल्यूएशंस हैं वो भी एडवर्स हो जाते हैं। और भारत के लिए तो इसके लिए, चूंकि अगर रुपया अगर टूटता है तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। अगर रुपए की कीमत सपोज करो $1 के मुकाबले ₹83.40 थी एक हफ्ता पहले, और अब ₹83.55 हो गई, तो यानी कि हर डॉलर को खरीदने के लिए हमें 15 पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारे इंपोर्ट जो है, आयात जो है, और महंगे हो गए, तो इसलिए रुपया डाउन हो रहा है। दूसरा कारण क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल क्यों कर रहे हैं भारत में? वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल क्यों कर रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं जबकि इतनी अच्छी इकोनॉमी है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत के अंदर जो हमारी स्टॉक मार्केट है अब वो बबल पॉइंट पे आ गई है, अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो। तो यहाँ पर जब इतनी ऊपर आ गई तो यहाँ पर अब प्रॉफिट्स आपको नहीं होंगे, तो यहाँ से अपने प्रॉफिट बुक कर लो, यानी कि बेच दो, और बेच के अमेरिकन मार्केट के अंदर आप जाकर वहां पर लगा दो पैसे। जब वहां पर लगाओगे तो डॉलर और मजबूत हो जाएगा, और यहाँ पर जब हमारे यहाँ से पैसा निकल के बाहर जाएगा तो रुपया कमजोर होगा। और दूसरी बात, अमेरिका का जो US फेड जिसको कहते हैं, जो वहां का RBI है, उसने पहले ही कह दिया कि मैं इतनी जल्दी अपनी अपने रेट कट करने नहीं जा रहा हूं, यानी कि और लंबे टाइम तक हायर इंटरेस्ट रेट डॉलर आपको देता रहेगा, तो लोग उसकी ओर जाएंगे। तो क्या वास्तव में एक रुपए का कमजोर होना हमारी वीक अर्थव्यवस्था का एक तरह से कहा जाए तो द्योतक माना जाए, द पीक माना जाए, साइन माना जाए? दरअसल रुपया वीक होता है तो फिर
इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कई बार कहते हैं कि एक्सपोर्ट को फायदा, थोड़ा ज्यादा पैसे आएगा, लेकिन उसके मुकाबले जिसकी कॉस्ट है इम्पोर्ट की अप होने की, वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब कि फिर हमारी जो फॉरेन करेंसी के जो लोन्स हैं जिनका हमें रीपेमेंट करना है, अगर रुपया कमजोर हो जाता है तो इसका मतलब हमें उसके ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है रुपया के अंदर, तो इसका मतलब है कि रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये जो एक हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का रूपी कंसिस्टेंटली नीचे कमजोर हुआ है, कंसिस्टेंटली पिछले 75 सालों में कभी भी ऐसा नहीं कि हम डॉलर के मुकाबले बहुत अप हो गए हैं। फिर आप कहेंगे भाई डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि अभी उनके इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर लोगों को बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो लोग पैसा निकाल निकाल के डेवलपिंग मार्केट से जैसे कि इंडिया है वो अमेरिका की ट्रेजरी के अंदर वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा वहां की कंडीशन इस समय अच्छी है, अमेरिका की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, वहां की लेबर मार्केट है बेहतर है, इसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट बेहतर है, और खासतौर से वहां पे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत अच्छी है इस समय देखा जाए तो। मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से रिवाइव हो रही है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिफाई कर रही है, तो अधिक से अधिक आप पाएंगे सेमीकंडक्टर के प्लांट्स और बाकी प्लांट्स वहां पर जा रहे हैं। अब आने वाले समय में रूपी और डॉलर में क्या इक्वेशन रहेगी, ये सवाल आता है। देखिए एक बात तो बड़ी पक्की है कि इंटरेस्ट रेट तो हाई रहेंगे, क्योंकि जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है ईरान के अंदर और इसराइल के बीच में या बाकी जगह पे, वो ऐसी है कि जो डॉलर को मजबूत कर रहा है, जिसको ग्रीन बैक्स कहा जाता है, तो लोग भाग भाग के डॉलर की ओर जाएंगे या सोने की ओर जाएंगे। सोना आप देखिए 75,000 क्यों हुआ, जब भी दुनिया में इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो लोग सोने के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, वही हो रहा है इस समय। तो यानी कि सफर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। जिस रेट पे हम सोना 60,000 रुपए के अंदर 10 ग्राम खरीदते थे कुछ ही हफ्ते पहले, आज 75,000 रुपए के आसपास हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना महंगा हुआ, तो यानी कि हमारी जो रूपी है वो कमजोर हो रहा है ना, इसका मतलब, क्योंकि लोगों का विश्वास सोने में बढ़ रहा है रूपी में नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि रुपया अपनी जगह पे टिक पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, और आने वाले दिनों में अगर कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बड़ा झटका लग गया और हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, तो हमारी जो डेट रीपेमेंट्स हैं यानी कि कर्जा वापस करने की जो हमारी क्षमता है उसके अंदर बहुत बड़ा शॉक लगेगा, और ये कारण है कि हम अभी भी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी के तौर पर है जो ऊपर से आपको चमकदार दिखाई देती है, लेकिन अंदर की जो कमियां हैं वो रुपए की कमजोर होने से आपके सामने आ जाती है। तो देश का असली सच ये है कि मोदी राज में सब कुछ तो अच्छा है, तो रुपया क्यों डूब रहा है, इसीलिए डूब रहा है कि अंदर हमारे दरवाजों के अंदर दीमक लगी हुई है, अंदर की दीवारें खोखली हैं, अंदर की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जो आपको मोदी जी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।